दोस्तों आज के वीडियो में हम दो 16 बिट नंबर्स है इनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे यूजिंग ALP ऑफ 8085। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो प्रॉब्लम है ये कुछ इस तरह से है। सब्ट्रैक्ट 16 बिट नंबर इन मेमोरी लोकेशंस 4002H एंड 4003H फ्रॉम अ 16 बिट नंबर इन मेमोरी लोकेशन 4000H एंड 4001H। अब यहाँ तक तो हमें इतना पता चलेगा चल रहा है कि ये एक नंबर है 16 बिट का। अब यहाँ पर दो मेमोरी लोकेशन इसीलिए दिए हैं क्योंकि हमारा जो मेमोरी है इन केस ऑफ 8085 ये रहता है 8 बिट का, इसीलिए 16 बिट नंबर स्टोर करने के लिए हमें दो मेमोरी लोकेशन लग रहे हैं और दूसरा 16 बिट नंबर जो है इस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है। हमें ये नंबर जो है 4003 वाला इसको सब्ट्रैक्ट करना है इस नंबर से। अब आगे डिटेल में दिया है कि MSB जो है नंबर्स की ये है 4001H एंड 4003H। तो देखिए प्रॉब्लम से हमें पता चलेगा कि हमारे पास एक नंबर है, चलिए सपोज करते हैं कि हमारे पास 5678 ऐसा एक नंबर है 16 बिट वाला। अब इसमें जो लोअर लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स है 8 बिट्स, तो लिस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट्स में हमारा नंबर ये 78 जो रहेगा ये है इस मेमोरी लोकेशन पे 4000H पे स्टोर। अब मैं इनको ब्रैकेट्स में बनाता हूँ। और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट या फिर हम बोल सकते हैं हायर बाइट जो है ये है 4001H। अब दूसरा जो नंबर है देखिए ये है 4002 और 4003 में, तो यहाँ पर हम अजूम करते हैं कि हमारे पास 4321 ऐसा नंबर है, तो यहाँ पर ये रहेगा 4002 में लोअर बाइट और जो हायर बाइट रहेगा ये रहेगा 4003 में। अब हमें इनका सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन करने के बाद फिर से रिजल्ट जो है हो सकता है हमारा 16 बिट रिजल्ट यहाँ पर जनरेट हो जाए, तो इसमें भी हायर बाइट और लोअर बाइट रहेगा। तो हम अज्यूम करते हैं कि ये लोअर बाइट है और ये हायर बाइट है। अब हमें जो लोअर बाइट है ये स्टोर करना है, जैसे हम मेंशन किया है कि हायर बाइट जो है ये 4005 है, इसका मतलब है लोअर बाइट हमें स्टोर करना है 4004 इस मेमोरी लोकेशन पे, और 4005 पे ऑटोमेटिकली हायर बाइट आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमारे पास सब्ट्रैक्शन के लिए 16 बिट नंबर का डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन 8085 के केस में हो ही नहीं सकता, इसलिए हमारे पास सब्ट्रैक्शन के लिए सब इंस्ट्रक्शन है। अब सब यानी SUB, ठीक है। अब ये जो SUB इंस्ट्रक्शन है ये नंबर को सब्ट्रैक्ट करती है। यहाँ पर अगर हम SUB यूज़ करेंगे तो ये 78-21 हो जाएगा और रिजल्ट जो है ये एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। अब मैं अगर यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ SUBB, तो SUBB का मतलब रहेगा एक्यूमुलेटर का डेटा -B एंड द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। अब इसीलिए हमें ये जो 78 है ये एक्यूमुलेटर में लेना पड़ेगा और जो सेकंड वाला नंबर है दैट इज 4002 वाला जो नंबर है ये लेना पड़ेगा हमें यहाँ पर बी रजिस्टर में, अगर हम SUBB इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं तो। अब ये तो हो गया सब्ट्रैक्शन का, और अगर हमें हायर बाइट का सब्ट्रैक्शन करना है तो फिर से हमारी यही प्रोसीजर रहेगी। हम एक्यूमुलेटर माइनस कोई रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं, से हमने अगर SUBC यूज़ किया है तो यहाँ पर एक्यूमुलेटर का कंटेंट हो जाएगा सब्ट्रैक्ट रजिस्टर सी में से और रिजल्ट जो है यह एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि अगर इस केस में कुछ बोरो जनरेट होता है तो हमें यहाँ पर बोरो का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब बोरो का इस्तेमाल करने के लिए हमें ये इंस्ट्रक्शन से बेटर है दूसरी इंस्ट्रक्शन यूज़ करना पड़ेगा जो है SBB, यह है सब्ट्रैक्ट विथ बोरो इन सी। तो यहाँ पर बोरो जो रहेगा, अब मैं यहाँ पर बोरो लिखता हूँ, ये बोरो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा अलोंग विथ सी। लेकिन
देखिए, बोरो को स्पेशली हमारे पास इंडिकेट करने के लिए 8080 भाइयों में कोई दूसरा बिट या फिर फ्लैग नहीं है। उसको अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो हमें सिंपली कैरी फ्लैग यूज़ करना पड़ता है। तो या एक्चुअली ये सब्ट्रैक्ट विथ बोरो का मतलब रहता है सब्ट्रैक्ट विथ कैरी, तो कैरी फ्लैग में ही ये बोरो यहाँ पर जनरेट होता है। अब इस अकॉर्डिंगली अब जैसे मैंने ये प्रोसीजर बताई है, इसमें देखिए हमें सबसे पहले हमारा जो एल्गोरिथम रहेगा, स्टेप वन में ये नंबर लेना पड़ेगा, ये वाला नंबर हमें लेना पड़ेगा। उसके बाद हम इसको कहीं पे स्टोर कर लेंगे और फिर हमें ये वाला नंबर लेना पड़ेगा और फिर हम ये एक्यूमुलेटर में आ जाएगा इसका मतलब है, और फिर हम इसको 1-2 यानी ये इसमें से कोई इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे और फिर जो रिज़ल्ट रहेगा उसको भी हमें कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रिज़ल्ट स्टोरेज वाली जो स्टेप रहेगी ये हमारी थर्ड स्टेप रहेगी। उसके बाद हम ये वाला हायर बाइट लेंगे फोर्थ स्टेज स्टेप में, देन हम ये नंबर लेंगे एक्यूमुलेटर में, फोर्थ स्टेप में ही इसको कहीं पे स्टोर कर देंगे, फिर हम ये वाला नंबर लेंगे और रिज़ल्ट जो है हमारा एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। तो इस रिज़ल्ट को फिर से हमें कहीं पे स्टोर करना है। इस तरह से हम ओवरऑल ये प्रोग्राम करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम के ऊपर। हमने यहाँ पर वही मेंशन किया है कि कौन सा नंबर कहाँ पर है। तो देखिए हमें सबसे पहला नंबर लेना है। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक तो हम LDA इंस्ट्रक्शन यूज़ कर सकते हैं या फिर आपको लगता है मेमोरी पॉइंटर यूज़ करें तो आप मेमोरी पॉइंटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल कर रहा हूँ। देखिए मुझे ये जो नंबर है पहले वाला ये नंबर लेना है 4002H, तो मैं सिंपली LDA लोड एक्यूमुलेटर विथ 4002H कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, 4002H का जो डेटा रहेगा, 4002 का डेटा ये स्टोर हो जाएगा एक्यूमुलेटर में। अब जैसे हमने कहा है कि हमें ये कहीं पर स्टोर करना पड़ेगा, इसके लिए मैं कॉपी इंस्ट्रक्शन यूज़ करता हूँ, दैट इज़ मूव B, A। इसका मतलब है एक्यूमुलेटर का जो डेटा है ये B में कॉपी हो जाए। देखिए जैसे हमने अज्यूम किया था कि 4002H पे 78 है, सॉरी 4002 पे 21H हमने अज्यूम किया था, तो ये 21, तो इसका मतलब है देखिए टू, अब एक्यूमुलेटर में 21 आ जाएगा, एक्यूमुलेटर इक्वल टू 21 हो जाएगा। अब जैसे ही हम मूव B, A करते हैं तो एक्यूमुलेटर में भी 21 स्टोर हो जाएगा और B में भी 21 स्टोर हो जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट नंबर है ये है ये 4000 वाला जो कि है 78, तो हमें ये जो 4000H वाला नंबर है वो एक्यूमुलेटर में लेना है। उसके लिए हम फिर से LDA इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे 4000H। अब इसका मतलब है देखिए 4000H जो मेमोरी लोकेशन है ये कॉपी हो जाएगा एक्यूमुलेटर में। अब हमारी जो एक्यूमुलेटर की प्रीवियस वैल्यू थी ये 21 थी, अब हमें इसका नया नंबर मिल जाता है 78। अब हमें सिंपली यूज़ करना है सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन, जैसे हमने स्टेप में कहा था कि हमें सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन यूज़ करना है। हम सब्ट्रैक्शन करेंगे सिंपली सब बी इंस्ट्रक्शन यूज़ करके। अब इसका मतलब देखिए एक्यूमुलेटर का डेटा माइनस बी हो जाएगा और रिजल्ट जो है ये एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। अब देखिए सिंपली इसका मतलब है 78, 78 एक नंबर है, माइनस 21 हो जाएगा यहाँ पर, और जो भी रिजल्ट है ये एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें जो एक्यूमुलेटर का नंबर है, इस एक्यूमुलेटर का जो नंबर है इसको स्टोर करना है इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे, दैट इज 4000H पे। तो सिंपली मैं यूज़ करूँगा मूव इंस्ट्रक्शन है हम यहाँ, क्योंकि हमें एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन पे इंस्टॉल करना है नंबर, तो हमें यूज़ करना पड़ेगा STA इंस्ट्रक्शन, STA, और जिस लोकेशन पे करना है उस पे। अब इसका मतलब रहेगा देखिए इसका सिंपल मीनिंग है कि 4000 एक्यूमुलेटर का जो डेटा है
ये कॉपी हो जाएगा यहाँ पर 4000H इस मेमोरी लोकेशन, 4004H इस लोकेशन पे। देखिए एक्यूमुलेटर का जो भी रिजल्ट आया था, अब मैं रिजल्ट को लोअर बाइट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो लोअर बाइट है हमने स्टोर कर दिया है इस मेमोरी लोकेशन पे, दैट इज 4004H पे। ये हमारी हाफ प्रोसेस हो गई जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया था कि पहले ये नंबर लो, बाद में ये नंबर लो, उसको सब्ट्रैक्ट करो, रिजल्ट स्टोर करो। सेम प्रोसीजर अब हमें यहाँ पर भी करनी है। हम अब ये नीचे वाला नंबर लेंगे, दैट इज 4003 इस मेमोरी लोकेशन पे जो नंबर है वो हम लेंगे। उसके लिए फिर से देखिए ये इंस्ट्रक्शंस जो है नियरली यही हम यहाँ पर स्टेप फॉलो करने वाले हैं। अब हम यूज़ कर रहे हैं LDA इंस्ट्रक्शन, LDA 4001H यूज़ करूँगा मैं, बाद में मूव करूँगा। अब मैं B,AB यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैंने जानबूझ के यहाँ पर C रजिस्टर यूज़ किया है, ठीक है। इसका मतलब देखिए 4001 का जो डेटा है ये एक्यूमुलेटर में कॉपी करो, बाद में एक्यूमुलेटर का जो डेटा है ये सी में कॉपी करो। अब सी का में डेटा पहला नीचे वाला डेटा आ गया है, अब हमें क्या करना है, सिंपली फिर से LDA इंस्ट्रक्शन यूज़ करनी है, दैट इज़ लोड एक्यूमुलेटर विथ 4003H। तो हमें सॉरी यहाँ पर एक गलती हो गई हमारे से, ये यहाँ पर हमें ये नीचे वाला नंबर लेना था, 4003 वाला पहले लेना था। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 4001H, ठीक है। अब हमें एक्यूमुलेटर का नंबर माइनस ये वाला नंबर करना है, तो सिंपली मैं यहाँ पर सब इंस्ट्रक्शन यूज़ करूँगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कि हमें सब्ट्रैक्शन सब वाले इंस्ट्रक्शन नहीं यूज़ कर सकते, हम यहाँ पर SBB, SUB नहीं है वो, SBB इंस्ट्रक्शन यूज़ करना है। हाँ ये जैसे मैंने मेंशन किया था कि इट इज़ द इंस्ट्रक्शन विच शुड बी यूज, तो यहाँ पर भी मैं SBB इंस्ट्रक्शन करूँगा, यानी सब्ट्रैक्शन विथ बोरो। तो SBB करोगे विथ सी, ठीक है। इसका मतलब है एक्यूमुलेटर का डेटा माइनस सी रजिस्टर माइनस कैरी फ्लैग, ठीक है। मैं यहाँ पर डायरेक्टली कैरी लिख रहा हूँ, इसको सब्ट्रैक्ट हो, इनका सब्ट्रैक्शन होगा और रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। हमें जो रिजल्ट चाहिए वो स्टोर चाहिए, इसका जो हायर बाइट है देखिए 4005 पे है। तो मैं सिंपली STA इंस्ट्रक्शन यूज़ करूँगा अभी, और यहाँ पर लिखूँगा 4005H। हमारा टास्क कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कैरी स्टोर करना है, एक्चुअली कैरी तो स्पेशली इंडिकेट करते हैं, लेकिन अगर कैरी स्टोर करना है तो आप कोई एक रजिस्टर ले सकते हैं, इनिशियली उसको 0 डिक्लेयर कर सकते हैं, और बाद में इस इंस्ट्रक्शन के बाद इफ कैरी इज जनरेटेड तो विथ कैरी वाला जंप इंस्ट्रक्शन यूज़ करके उसको इंक्रीमेंट कर सकते हैं उस पॉइंटर को, अदरवाइज आप प्रोग्राम यहाँ पर हॉल्ट कर सकते हैं, दैट इज एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो इस तरह से हमने ये 16 बिट वाला सब्ट्रैक्शन किया। सेम जो प्रोग्राम है किसी और मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सेम प्रोग्राम है, सिर्फ यहाँ पर हम डायरेक्टली HL रजिस्टर्स जो रहेंगे HL रजिस्टर पेयर यूज़ करेंगे, क्योंकि HL रजिस्टर डायरेक्टली 16 बिट नंबर को स्टोर कर सकता है, और HL के L में हम लोअर बाइट स्टोर करेंगे, H में हम हायर बाइट या फिर अपर बाइट जिसे कहते हैं उसको स्टोर करेंगे। सिमिलरली अब बाद में हम देखिए क्या करते हैं, उसके लिए हम ये इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं LHLD। LHLD का मतलब है 4000H जो है यहाँ पर जो एड्रेस मेंशन किया है इसका डेटा कॉपी करो लो L रजिस्टर में, और इसके ऊपर वाला जो नंबर रहता है दैट इज 4001H, इसका जो डेटा है ये कॉपी करो H रजिस्टर में। अब ये इंस्ट्रक्शन होने के बाद देखिए नेक्स्ट क्या करना है, तो हमें इसको एक्सचेंज कर लेना है विथ DE रजिस्टर। तो सिंपल XCHG यानी एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन है विथ DE, तो HL की जो वैल्यू है ये DE रजिस्टर में ऐसी ही कॉपी होगी, दैट इज़ लोअर बाइट इधर आ जाएगा E रजिस्टर में, और हायर बाइट जो है जिसको हमने यहाँ पर अपर बाइट कहा है, हायर बाइट जो है वो D रजिस्टर में यहाँ पर कॉपी हो जाता है। नेक्स्ट आपको थोड़ा सा पता चल गया होगा, देखिए फिर से हमने जो ये वाला नंबर है सेकंड वाला नंबर इसको लिया, उसके लिए हमने
4002 एच यहाँ पर यूज़ किया, तो 4002 और 4003 का डेटा यहाँ पर एच एल रजिस्टर में कॉपी हो गया है। अब देखिए हमारे हमारा एक एक जो वैल्यू है ये ई में है और दूसरा जो वैल्यू है ये एच एल में है, तो हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पर ई का डेटा एक्यूमुलेटर में लेना है, यानी जो हमने पहला वाला नंबर लिया था ये एक्यूमुलेटर में लिया। अब हम सिंपल क्या करेंगे, इसको एल के साथ से सबट्रैक्ट कर देंगे, तो ए माइनस एल हमें करना है, तो सिंपल सब एल यूज़ करना है। इसके बाद इसको हमने एल पे फिर से सेव कर दिया है, सो दैट आखिरी में हम एस एच एल डी ए यूज़ कर पाए, तो हमने लोअर बाइट का रिजल्ट यहाँ पर एल में स्टोर कर दिया है। लोअर बाइट, देखिए लोअर बाइट हमने स्टोर कर दिया है एल में। अब सेम प्रोसीजर हायर बाइट के लिए है, हम कोई रजिस्टर लेंगे उसको, यानी ये डी रजिस्टर का डेटा अब हम एक्यूमुलेटर में मूव करेंगे। देखिए बाद में हम यहाँ पर सब एच यूज करेंगे विथ बोरो, SBB इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं उसके लिए। अब हमने एच में वैल्यू ले ली, देखिए हायर बाइट जो है या फिर अपर बाइट जिसे कह सकते हैं ये आ गया है एच में। अब एच एल में जो नंबर है इसको हमें स्टोर करना है 2003 और थ्री और फोर नहीं 4 और 5 पे, तो उसके लिए यहाँ पर सिंपल इंस्ट्रक्शन है SHLD 4004। इसका मतलब है यहाँ पर ये 4004 में आ जाता है और ये 4005 में आ जाता है, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।